विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत एमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है, उस विचारधारा से हम सबको बचना है, क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है।